साथियों नमस्कार, आज हम मिलते हैं ऐसे शख्सियत जिन्होंने मिशन शक्ति के रूप में जनपद गोंडा का नाम प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिता में हासिल करते हुए हम सबको गौरवान्वित किया है। आज मिलते हैं ममता जी से। ममता जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम ममता है, मैं शारीरिक शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं बहुत सारे मेडल जीत चुकी हूँ। स्टेट स्तर पर 2003 में मैंने जेवलिन थ्रो में एकलव्य स्टेडियम में सेकंड स्थान प्राप्त किया। थैंक यू सो मच सर। और भी मैं 10 नेशनल खेल चुकी हूँ, लेकिन मैं 2013 में जब मेरा निदेशक पद पर जो है पोस्टिंग हुई, तो वहीं पर मेरा गेम बच्चों के साथ में जूनियर हाई स्कूल में चलता रहा, लेकिन यहाँ स्टेडियम ना होने की वजह से गांव से रिलेटेड हूँ, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। और 2 साल पहले मुझे ये पता चला कि टीचर्स गेम भी होते हैं, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया 2021 में, जिसमें मेरा 2 गोल्ड मेडल स्टेट पे और 1 सिल्वर मेडल रहा। उसके बाद 2022 में अभी जल्दी में जो है 12-13 नवंबर को अमेठी में स्टेट स्तर की प्रतियोगिताएं शुरू हुई, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। ये जो है एथलेटिक्स के अंदर क्या होता है कि 3 इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, जिसमें मेरा मेजर गेम रहा भाला फेंक, डिस्कस फेंक और 100 मीटर रेस। इन तीनों खेल में मैंने पार्टिसिपेट किया और तीनों में मैंने गोल्ड लगाया, जिससे मुझे स्टेट चैंपियन चुना गया और नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहले तो मैं बहुत बड़े खिलाड़ियों से मेरा सामना हुआ और थोड़ा सा होपलेस भी हुई, क्योंकि मैं 10 साल बाद कमबैक की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैंने सोचा कि जो है गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है हार जीत पर ना हमें जाकर, और प्रतिभाग करना चाहिए। किसी भी चीज में प्रतिभाग करना सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन मेरा तीनों में गोल्ड मेडल मिला और सारे गुरुजनों का, माता पिता का, अपने पटन मंडल का और सारे लोग का सहयोग मिला और मैंने ये गोल्ड मेडल जीता। बहुत ही अवसर है पावन।